अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह हम अपना चैप्टर नंबर 12 शुरू करेंगे। कल चैप्टर नंबर 11 ख़त्म हुआ और इंशाल्लाह आज शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 12 और हम कंटिन्यू करेंगे हमारे जो डिस्कशन चल रहा था पिछले दो चैप्टरों से कुरान के साइंसी फैक्ट के बारे में, कि कुरान के अंदर जो साइंसी फैक्ट है उसका जो रेफरेंस मैं दे रहा था कुरान की आयत के साथ, तो उनके जो पॉइंट निकाला था मैंने 85 तकरीबन, तो उसके हम पॉइंट नंबर 64 तक पहुंच गए थे, 64 तक पहुंच गए थे। आज 65 पॉइंट से हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे और जल्दी ख़त्म करके फिर और अपने इस्लामी का जो आगे कोर्स है उसके अंदर और आगे बढ़ेंगे। इसमें तो और बहुत सी बातें बताना है, इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में, कुरान के बारे में, फ़िरक़ों के बारे में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, इस्लामी तारीख़ है और मुसलमानों के आपसी हालात है, ये सब सब बताना है। और हुजूर के असाब का जिक्र, उनके जो सहाबा थे, मुख्तलिफ मसलकों का जिक्र, इस्लाम में कितने मसलक है, फिर मुसलमानों के खिलाफ जो है दुश्मनान इस्लाम की साजिशों का जिक्र, और इस्लाम की तालीमात के हिसाब से अच्छी ज़िंदगी गुजारने का, ये सारा जिक्र होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अभी जो हम जो शुरू करेंगे अपना कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 12, और उससे पहले कुछ बात ये बताने की थी, बताना रह गई थी कि मैं जो बात बता रहा था, दो तीन पॉइंट थे वो ये थे कि आसमान, मैंने जो बताया था पिछले वक्त कि आसमान में जो है ना एक जाल फैला हुआ है गैलेक्सीज का और सितारों का और कहकशाओं का एक जाल फैला हुआ है। अब पता चला, आज की जदीद साइंस से पता चला, जो कॉस्मोलॉजी के अंदर कॉस्मोलॉजिस्ट ने और बड़े बड़े साइंसदानों ने आज पता लगाया है कि आसमान में जाल फैला हुआ है। और कुरान शरीफ के अंदर ये आयत है, मैं कल कल बताया था अपने पॉइंट नंबर 44 के अंदर, कि वो कुरान के अंदर आयत है जारियात में, सूरह जारियात सूरह नंबर 51 और आयत नंबर 7 में, वह समा जातल हबक, ये अल्लाह ताला आसमान की कसम खा रहा है, उस आसमान की कसम जो जालदार है। इसका जो पहले ज़माने में जैसा ये आयत है, हर ज़माने में जैसा मैं आपको बता, अपना जो फार्मूला है कुरान का, जो क्राइटेरिया है वो यही है कि वो कुरान की हर आयत हर ज़माने के लिए है। उसमें तीन बातें होती है हर आयत में, माजी में भी फ़ायदे की, हाल में भी फ़ायदे की और मुस्तकबिल में भी उससे हमारे लिए फ़ायदा ही होता है। तो हर में है ये, तो कुरान की हर आयत का ही है। तो इसमें भी वही है कि माजी में ये जो इसके बारे में जो हमारे मुफसरीन ने और तर्जुमा करने वालों ने तर्जुमे किए अपने अपने वक्त के हिसाब से किए, उस ज़माने में नहीं मालूम था कॉस्मोलॉजी के कि आसमान में जाल फैला हुआ है, तो आसमान में एक खुशनुमा डिज़ाइन नज़र आता था, नक्श निगारी नज़र आती थी, तो इस किस्म के बातें। पर आज जो नई जदीद साइंस से पता चला है कि आसमान में और ऊपर खला में करोड़ों अरबों खरबों गैलेक्सीज का एक जाल है, और वो जाल जो है बिल्कुल इंटरलिंक है, इंटरलॉक कैसे रहता है, हर कहकशां दूसरे कहकशां से मुंसलिक है ग्रेविटी के थ्रू, ग्रेविटी के जरिए से, और एक किस्म का जाल है जो एक दूसरे के अंदर मुंसलिक है, इंटरलॉक है बिल्कुल। तो उसके बारे में जो ये जो लफ्ज है कुरान शरीफ में हबक, हबक जो है जाल को भी बोलते हैं, एक किस्म का जो जाल होता है, जैसा अरब कंट्री में अरबी में जो इंटरनेट है, इंटरनेट शुबका बोलते, शुबका शुबका है ना, खिड़की पे से निकला, कि शबाक जाली, खिड़की में जाली होती है, जाली लगी भी रहती थी पहले ज़माने में, अभी भी जालियाँ रहती है, चिड़िया या कोई बिल्ली या नया नया आना, इसलिए जाली होती है, तो शुबका बोलते। तो ये जो इंटरनेट है, इंटरनेट भी असल में एक जाल है, पूरे मालूमात का और कंप्यूटर का, पूरी दुनिया का जाल है, उसके लिए शुबका बोलते, शुबका। ये हबक भी जो है शुबका जैसा ही है, हबक ये जो एक पुरानी डिक्शनरी है अरबी की, बहुत पुरानी है, तकरीबन आज से 150 साल पहले लिखी गई है, तकरीबन 100 साल से ज्यादा पहले छपी है, खाबूस अल मुदरसी बोल के, ये इलियास अंतुनी इलियास की है, ये बहुत मशहूर है, और अल मोहरत बोल के जो अरबी डिक्शनरी है उससे भी कदीम है। तो उसके अंदर हबक का मतलब है जाल, जाल भी है, डिजाइन भी है, नक्श निगारी भी है, हर चीज है। तो अभी आज के जमाने में जो हमको जो तनाजुर में आज के पता चलता है वो आसमान में जाल है, तो वो कुरान शरीफ जो है ना आज से 1440 साल पहले जाल के बारे में जिक्र कर रहा है कि अल्लाह कसम खा रहा है आसमान की, जालदार, आसमान की जालदार यानी जो गैलेक्सी से बना, ये एक बात बतानी रह गई थी। अच्छा, दूसरा ये और है कि जो कौसर के बारे में मैंने बताया, सूरह कौसर,
सूरह कौसर के बारे में जो है वो कल बता दिया तफसील, आज कुछ नहीं बताना है। उसके बाद तफसीर के बारे में इतना बताना है कि दुनिया के मुख्तलिफ इस्लामी मुफस्सिरों ने कौसर का अलग अलग मतलब बताए हैं। कौसर के जैसा बताया कि क्या कौसर का मतलब क्या है, वो जन्नत में एक हौज है वो तो सबको मालूम है, रोजे कयामत जब हिसाब किताब हो जाएगा उस टाइम पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हौज के पानी से मुसलमान को पिलाएंगे वो भी है। हौज कौसर जो है ऐसा पानी है, ऐसा हौज है और जिससे मुसलमानों को फायदा पहुंचता है, ये भी है मुसलमानों को फायदा पहुंचने वाली चीज यानी कौसर। और भी बहुत सारे बताए उसमें है, मुफसरीन ने कुरान हदीस भी इस्लाम भी उससे मुराद लिया है कि कौसर का मतलब है हदीस कुरान और इस्लाम, इस्लाम और हुजूर सल्लम की हिदायत, ये भी है। तो ये भी आप इसके तनाजुर में याद रखें। अच्छा दूसरा ये कि मैंने और एक चीज बताया था पॉइंट नंबर 55 के तनाजुर में, वहां भी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बाकी रह गया था, मैंने बता दिया था। वो है कि टावर्स ऑफ क्रिएशन के बारे में बताया था कि आसमान में टावर्स ऑफ क्रिएशन है और नेबुला है, ईगल नेबुला, फला नेबुला, अंके नेबुला, और सूरह बुरूज में है कि सूरह नंबर 85 आयत नंबर 1 में, तो उसके ताल्लुक से जो इसलिए बुरुज उसका नाम है बुरुज कि पहले जमाने में लोगों ने जैसा तर्जुमा किया, और मैंने जैसे बात बताया कि कुरान की आयत तो हर जमाने के लिए है, पहले के लिए भी, अभी भी के लिए भी और फ्यूचर के, तो उस जमाने में जो तर्जुमे किए तो कॉन्स्टलेशन, बुरुज का मतलब उन्होंने कॉन्स्टलेशन कॉन्स्टलेशन लिया जो आसमान में सितारों के बने हुए है। मगर आज के जमाने में पता चला है जदीद कॉस्मोलॉजी से कि आसमान में बड़े बड़े बुर्ज है, बुर्ज यानी बड़े बड़े मीनार, जैसा बुर्ज खलीफा दुबई में जो बुर्ज खलीफा है वो उसको बुर्ज क्यों बोलते हैं, इमारत टावर जो बुर्जुल इमारत जो दुबई में है जो सबसे पहले बनी हुई है, नौकदार दो बिल्डिंग है, एक के नौक ऐसी एक के नौक ऐसी, वो उसको बुर्जुल इमारत बोलते हैं, इमारत टावर। और ऐसे बहुत टावर है, वो जो एरिया है डाउनटाउन दुबई का वो पूरा टावरों का बना हुआ है, टावर यानी बुर्ज, सब जगह बुर्ज लिखा हुआ है, बुर्ज खलीफा, बुर्ज ये, बुर्ज जदी, बुर्ज दोसी, दूसी दुबई, ये ऐसे पूरे टावर है बने हुए, तो वो टावर को बुर्ज बोलते हैं। तो बुर्ज का मतलब टावर। और आसमान में आज देखो, आज कॉस्मोलॉजी से पता चला कि आसमान में बड़े बड़े टावर है, टावर्स ऑफ क्रिएशन बोल के दरियाफ्त किया है, कुछ दरियाफ्त अभी इतना दूर तक इंसान देख नहीं सका है। अभी जो नई जो टेलीस्कोप भेजी है उन्होंने ज्यादा पावरफुल जेम्स वेब बोल के, वो भी दरियाफ्त कर रही है कि जो ईगल नेबुला है और टावर्स ऑफ क्रिएशन है वो इतने बड़े, कल बता दिया था मैंने, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, कि रोशनी को भी उसके एक सिरे से दूसरे सिरे जाने के लिए लाखों साल लगते हैं, इतने बड़े बड़े वो मीनार है, टावर है। तो अल्लाह ताला ने उसके बारे में बताया कि आसमान में बुर्ज है, हमने बुर्ज बनाए, वो बुर्ज भी है पहले के जो कॉन्स्टेलेशन लोग समझते थे जो जमाने के हिसाब से, वो भी है और फ्यूचर में भी, और क्या पता चलेगा मालूम नहीं है। अच्छा ये एक बात बतानी थी, और एक बात जो तनाजुर में मैं ज्यादा कल डिस्कस नहीं कर सका कि जैसा कल मैंने बताया था कि पॉइंट नंबर 59 के तनाजुर में था वो, कि मेरा एक मजहबी फोरम पे एक से डिस्कशन हुआ था, वो जो लोग थे वो अपने मजहब की बड़ाई बयान कर रहे थे, अपने मजहब की सुपेरियरिटी बयान करने के लिए बता रहे थे कि हमारे मजहब में बहुत किताबें हैं, हमारे मजहब में इतना नॉलेज है और इतनी किताबें हैं, इतना लिखा है पहले के लोगों ने कि उसको पढ़ने के लिए समझने के लिए कई कई जन्म लगते हैं, कई कई लाइफ चाहिए उसको, एक लाइफ इंसान की एक लाइफ में वो पढ़ नहीं सकता समझ नहीं सकता, और उसको वो फख्र समझ रहे थे, उसको वो फख्र समझ रहे थे कि फख्र की बात है कि हमारे पास इतना ज्यादा नॉलेज है, इतना ज्यादा नॉलेज है कि एक इंसान के लिए एक जिंदगी काफी नहीं है, उसको समझने के लिए कई कई जिंदगियां चाहिए। तो ऐसा बहस चल रही थी, मैं भी वो उसके ऊपर वो फोरम पे था, लाइव था, और मेरे उनके साथ बातचीत चल रही थी, मेरा जब जवाब उन्होंने दिया, मैंने जो कल आपको बताया उसके बाद वो उसका जवाब भी उन्होंने मुझे दिया, और उसके बाद वो उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर थे फोरम के उन्होंने मदाखलत भी की, उन्होंने डिलीट तो नहीं किया था, मैं जब तक उसको देखता रहा वो था, वो उसके बाद भी जब मैंने वो बहस की थी उनके साथ वो मजहब के ताल्लुक से, तो उसके बाद भी कई साल के बाद भी मैंने वो वेबसाइट चेक किया था, मैंने सेव करके रखा था, और बाद में जब लाइव चेक किया तो भी वो वेबसाइट थी, वो डिलीट नहीं किया था, मैं कल बोला कि हो सकता है उन्होंने डिलीट किया, मालूम नहीं है कि, तो अभी तो मैं चेक नहीं किया, तकरीबन 5 साल से चेक नहीं किया मैंने। तो वो बात ये थी कि वो जो कौम थी, वो जो लोग थे, वो अपने मजहब का सुपेरियरिटी बयान कर रहे थे, बता रहे थे कि हमारे मजहब में इतनी किताबें हैं, इतनी इतनी मजहबी किताबें हैं हमारे पास, और वो फख्र बता रहे थे कि वो फख्र से कि हम लोग उसको एक जन्म में नहीं पढ़ सकते, कोई भी नहीं पढ़ सकता। तो मैंने इसका जवाब ये दिया था कि देखो जो दीन और मजहब रहता है, जो भी मजहब है वो इंसान की भलाई के लिए है, गाइडेंस के लिए है, अल्लाह की तरफ से है, खुदा की तरफ से है कि वो इंसानों की भलाई और गाइडेंस के लिए देता, तो गाइडेंस कैसी होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, मुख्तसर होना चाहिए और मुफीद, मुख्तसर मुफीद जो है वो गाइडेंस रहती, तफसीलात ऐसी कि अगर पूरी इंसान अगर पूरी जिंदगी तक अगर उसको समझने में ही पढ़ने में ही चले जाए तो फिर वो उस पर अमल कब करेगा।
उसकी मिसाल मैंने दिया था कि हमारा मजहब तो एकदम छोटा है, हमारे मजहब की छोटी सी किताब है, मगर वो इतनी सफिशेंट है, रेल के टिकट के जैसा मिसाल दिया था मैंने, कि जैसा आपके मजहब में तो इतना कंफ्यूजन है, इतनी बड़ी इतनी ज्यादा किताबें हैं कि आपके लोगों को तो कई कई लाइफ चाहिए, एक लाइफ नहीं 7 लाइफ 8 लाइफ जिंदगी गुजार चाहिए, तो जब आप वो पढ़ेंगे उसके बाद फिर कब समझेंगे। तो उसका मिसाल ऐसे दिया था मैंने कि अगर हम फर्ज करो आपके पास एक टिकट है रेल का, आपको कहीं जाना है, आप किसी बड़े सिटी में चले गए, तो वहां पे कई प्लेटफॉर्म होते हैं, 1 2 3 4 प्लेटफॉर्म होते हैं, बहुत ज्यादा रश होता है और ट्रेनें आती जाती रहती है कंटिन्यू। आपके पास अगर ऐसा टिकट है जिसको आप पढ़ने के लिए आपको पूरा दिन लग जाए, समझ नहीं सकते हा? और दूसरा दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए समझने के लिए, तो आप जाएंगे कब? आपकी तो ट्रेन मिस हो जाएगी, आपका जो ट्रेन है वो मिस हो जाएगी। या अगर आप वो पढ़ नहीं सकते और ये गड़बड़ में हड़बड़ी में कि आपने पैसा भी खर्चा किया है, पैसा जाया ना हो, चलो ट्रेन है, कोई भी ट्रेन में आप बैठ जाए, तो आपको भी गलत मुकाम पे पहुंचा देंगे आपको। तो ये मिसाल दिया था हमारा, हमारा जो दिन है वो मुख्तसर है, हमारा कैसा है दिन है, टिकट रेल के सेम टिकट के जैसा, टिकट पे सब लिखा रहता है कि टिकट का वो रेल का टाइम क्या है, कौन से गांव जा रही है और वो कौन से प्लेटफॉर्म पे है आएंगी, हमारा सीट नंबर क्या है, हम किस डब्बे में बैठने वाले हैं, ये सारा उसके ऊपर लिखा रहता है, तो हम फौरन वो देख लेते। और गाइडेंस जो रेल स्टेशन पे चलती रहती है स्क्रीनों के ऊपर और बोर्ड के ऊपर कि ये नंबर की ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे आएंगी, या अगर टिकट पे नहीं भी है तो स्क्रीन पे आ जाता है या अनाउंसमेंट में आता है कि ये ट्रेन वो प्लेटफॉर्म पे आएंगी, हम फौरन वो प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाते और चंद ही सेकंडों में हम पढ़ लेते और समझ जाते और हम पहुंच जाते और अपने सही मुकाम पे पहुंचते। तो हमारा दिन जो है हमारी गाइडेंस करके जन्नत में हमको पहुंचा देता, और आपको जो है गलत मुकाम पे आप पहुंच जाएंगे तो हो सकता है दोजख में पहुंच जाएंगे, कि तो आप हड़बड़ाहट में गलत ट्रेन में बैठ गए और आप ट्रेन में बैठने के बाद वहां पहुंच जाएंगे, उसके बाद वापसी का कोई ये नहीं है। ये भी एक मैं बात उनको बता रहा था, और ये मेरी बात सुन के, मेरा लॉजिकल पॉइंट सुन के वो लोग जो है ना मान गए थे, और उनके एडमिनिस्ट्रेटर ने कुछ मदाखलत भी किया था। अच्छा, ये भी एक बताने का था। दूसरा, अब हम शुरू करते हैं पॉइंट नंबर, अच्छा हाँ, और एक चीज मैं बता रहा था कि हामान का जिक्र है कुरान शरीफ में, हामान का जिक्र है उसके अंदर, मैं बता रहा था कि एक वेबसाइट मैंने पढ़ा था मिराकल्स ऑफ कुरान बोल के, तो उसके अंदर उन्होंने मिसर के हेरोग्राफ जो है, उनकी जो जबान है पुरानी, जो तस्वीरी लैंग्वेज है, वो अब पढ़ा है उन्होंने, अब मैंने रिसेंट दौर में, हुजूर के जमाने में या पिछले 1000 साल में वो नहीं पढ़ा गई थी। तो उसके अंदर लफ्ज हामान निकला है, उसका ट्रांसलेशन भी किया है, अमोन के अलावा हामान भी है, हामान, और वो हामान जो था मिसर के जो फेरौन था उसका कंस्ट्रक्शन इंजीनियर था, कंस्ट्रक्शन वजीर था वो, तो वो कुरान में बराबर है कि फिरौन उसको बोलता है हामान को कि मेरे लिए एक ऊंचा टावर बनाओ, ब्रुज बना, ताकि मैं ऊपर जाके अल्लाह को देखूं। और क्रिश्चनों ने और बाकी लोगों ने इतराज किए थे इस्लाम पे कि हामान जो है हमारी बाइबिल में तो पर्शिया के किंग का जो है वजीर था है बोल के लिखा हुआ है, और हामान तो पर्शिया का है, मगर कुरान में तो वो फिरौन के साथ लिखा हुआ है, पर्शिया के साथ नहीं है। तो आज ये बात साबित हुई कि वो हामान जो है फिरौन का ही है, मिस्र का ही है। और मूसा अलैहिस्सलाम का जो मैं जिक्र किया कि मूसा का नाम मतलब भी बच्चा है और लड़का है, जैसा कि फिरौनी लैंग्वेज में पता चला वही मिराकल्स ऑफ कुरान के जो वेबसाइट में है, कि उसमें पता चला जब मोजस, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, या मोसेस, मोजस मोजस बोलते, वो असल में फिरौन का जो फिरौनी जबान है उसके अंदर मोसेस का मतलब है लड़का, बेटा। हाँ, वो कुरान में उसका वर्ड भी है, कुरान में वो फिरौन ने कहा है मूसा अलैहि सलाम को, याद दिलाया कि मैंने तुमको बेटे जैसे नहीं पाला, वो वर्ड भी है, और मूसेस का मतलब है उसमें फिरौनी लैंग्वेज में लड़का, बेटा, औलाद, हाँ औलाद की तरह पाला करके फिरौन ने बोला था। और जैसे रामसेस, रामसेस का मतलब रा का बेटा, रामसेस ये फिरौन का नाम है, रामसेस, रामसेस का मतलब है रा का बेटा, रा उनका एक इला है, खुदा है, उसका बेटा, उसके औलाद का मतलब है रामसेस। तो ऐसा है, ये बात बता रहा था। अब अपन इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 64 ये था हमारा, अब शुरू तो हमने 64 तक कर दिए थे, मगर एक रिवीजन के लिए कि जब कोई बात आर्ग्यूमेंट कुरान शरीफ करता है तो वो अपने पाए तकमील तक पहुंचाता है, किसी बात को भूलता नहीं है। कुरान में जब कोई आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है किसी के साथ, तो वो आर्ग्यूमेंट बिल्कुल पूरे तकमील तक पहुंचता है, पूरा लॉजिकल पॉइंट तक पहुंच के कोई बात बीच में भूलता नहीं, अल्लाह ताला पूरा लॉजिक जवाब देने के बाद, सामने वाले को लाजवाब करने के बाद ही आर्ग्यूमेंट खत्म होता है। ये था पॉइंट नंबर 64। अभी है पॉइंट नंबर 65। ये है कुरान शरीफ के अंदर आयत है कि जब दोजख में दोजखियों को जब डालेंगे और जलाएंगे, उनको अजाब देंगे, तो उनकी जिल्द जल जाएंगी गर्मी से, तकलीफ के जिल्द जल जाएंगी, तो अल्लाह ताला फौरन उनकी नई जिल्द बना देगा।
ताकि उनको और तकलीफ हो। तो आज की जदीद साइंस से ये पता चला है कि जलने की तकलीफ जो है ना जिल्द में ही होती है। जब कोई आदमी जलता है, आजकल लोगों ने देखे वेबसाइट पे इधर उधर के लोग अपने आप को आग लगा लेते, तो वो तकलीफ कब तक होती? जब तक उनकी जिल्द, एक बार उनकी जिल्द जल गई तो उनको तकलीफ नहीं होती ज्यादा। ये तो हमने बहुत सारे देखे बुद्धिस्ट और मोंक, ये वो गर्म कड़ाई में बैठ के अपने आप को आग लगा के खुदकुशी कर लेते, या गर्म तेल छिड़क के जलते रहते थोड़ी देर तकलीफ, और बाद में फिर आराम से चलते रहते, बाद में मर जाते वो दवाखाने में एडमिशन के बाद। मगर वो जब जिल्द जब होती है उस वक्त तकलीफ ज्यादा होती है, तो जिल्द के अंदर सबसे ज्यादा नर्व एंडिंग रहते हैं, पूरे नर्व एंडिंग जो है जिल्द के अंदर है, स्किन में है। तो अल्लाह ताला कुरान शरीफ के सूरह निसा में सूरह नंबर 4 और आयत नंबर 56 में फरमाता है कि जब वो दोजखियों के जिल्द जल जाएंगे तो हम दूसरी जिल्द ला लेंगे, फिर जल जाएंगे दूसरी ला लेंगे। तो ये बात जो है, ये बात आज मालूम हुई साइंस को कि जिल्द के अंदर ज्यादा तकलीफ होती है और जिल्द में ज्यादा नर्व एंडिंग होते हैं। हुजूर के जमाने में तो ऐसी कोई फिजियोलॉजी थी नहीं। ये बात को देख के एक यहूदी जो डॉक्टर था उसने ये इस्लाम कबूल किया। जब उसने ये आयत पढ़ी, हो सकता है इस्लाम की स्टडी कर रहा होगा, तो उसके सामने जब यह आयत आई कि कुरान में कि एक जिल्द जल जाएंगी तो नई जिल्द आ जाएंगी, क्योंकि तो ऐसा कुरान में लिखा नहीं है कि बस दोजख में जो दोजख है वो जलता रहेगा जलता रहेगा जलता रहेगा, जिल्द जल जाएगी, गोश्त जल जाएगा, हड्डियां जल जाएंगी, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। ऐसा लिखा हुआ है कि जब उसको जलाएंगे जिल्द उसका स्किन जल जाएंगी, दूसरी स्किन आ जाएंगी, स्किन जलेंगी फिर दूसरी स्किन आ जाएंगी। ये जब वो डॉक्टर ने देखा, यहूदी था वो, उसने इस्लाम कबूल किया, ये एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर 65। और वो है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 56। अच्छा, अभी है अपना पॉइंट नंबर 66। पॉइंट नंबर 66 के अंदर कुरान शरीफ में हिजरत को जरूरी करार दिया गया है कि जो हिजरत करना है, मुसलमानों ने हिजरत करना जरूरी करार दिया था कि गैर मुस्लिम इलाकों से आके इस्लामी इलाके में आके आबाद हो जाने के लिए कुरान ने बिल्कुल जरूरी करार दिया। तो उसके बाद आजकल के इसके ऊपर उलमा के बारे है कि वो गैर इस्लामी मुल्कों में भी रह सकते हैं, उसका परमिशन है, वो उसके बाद उसके बारे में मैं बहस नहीं कर रहा, वो ठीक है। मगर कुरान शरीफ के अंदर हिजरत को बहुत जरूरी करार दिया गया है, और जो लोग हिजरत नहीं करते, हुजूर के जमाने की बात है ये, हुजूर के जमाने में जो मुस्लिम थे उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करने के लिए कहते थे, और जो लोग हिजरत नहीं करते थे उस जमाने में तो उनको बताते थे कि तुम गैर मुस्लिम ही मर गए जैसा ही है। तो ये जो है, और वो आयत में ये भी फरमाया है कि जो लोग आ नहीं सकते या जिनको आने नहीं दिया जाता है, रोक लेते हैं उनको, उनके ऊपर कोई सवाल नहीं है, वो बेचारे उनका कोई कसूर नहीं है। जिनको किसी ने रोक लिया या आने की सबील नहीं है उनके पास, रोके गए, तो ऐसे लोगों के पैर कोई पकड़ नहीं है। मगर जो लोग आ सकते, जो लोग हिजरत करके दारुल इस्लाम में आ सकते, वो उनको आना जरूरी करार दिया था। ये भी है सूरह निसा में आयत सूरह नंबर 4 आयत 97-98 के अंदर। इससे ये पता चलता जो ये आयत से कि वीजा और पासपोर्ट का तसव्वुर है, कोई मुल्क से कोई आ नहीं सकता या किसी को आने नहीं दिया जा रहा है, इसका मतलब क्या है? वीजा और पासपोर्ट का मसला है। या आज के जमाने में यह आयत साबित हर बता, पहले जमाने में तो वीजा पासपोर्ट ही नहीं, ये तो 1910 के बाद शुरू हुआ, 1910-20 के बाद शुरू हुआ, ये ब्रिटिश लोगों ने शुरू किया पासपोर्ट और वीजा का मामला, उससे पहले तो था ही नहीं। तो उससे पहले तो लोग एक दूसरे जगह, एक मुल्क से दूसरे मुल्क आते जाते रहते थे, मगर उस जमाने में ये बात कहना कुरान के अंदर कि जो लोगों को आने नहीं दिया जाता है उनको कोई पकड़ नहीं है, बाकी लोगों को तो आना चाहिए, मगर जिन लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है वो हमारे इससे छूट है उन्हें, तो वो ये पासपोर्ट और वीजा आजकल के जमाने के बारे में या हमको आयत गाइड करती है या कल भी करेंगी फ्यूचर में भी, कि जब वीजा और पासपोर्ट की बंदी की वजह से हम जा नहीं सकते तो उस टाइम पे हमारे पे कोई इल्जाम नहीं है। देखो ये भी साबित कर रही है कुरान की हक्कानियत है। ये पॉइंट नंबर 67 है, हमारी नाइहली की वजह से हमको बेदखल कर रही, अल्लाह ताला ने जो है ना औरों को हुकूमत दी। हम कुरान शरीफ में फरमाया है सूरह नंबर 11 में आयत नंबर 57 में, और सूरह नंबर 4 में सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 133, इसमें बताया है कि हम लोग अगर नाअहली करेंगे, ना अपने आप को नाहिल साबित करेंगे, तो अल्लाह ताला जो है हमारी जगह पे औरों को जो है हमारा हमारा जानशीन बनाएगा। देखो आज हम पूरी दुनिया में 1000 साल हुकूमत करने के बाद आज बेदखल है हर जगह से, पूरे दुनिया में जो है बेइज्जत तरीके से रह रहे, बेदखल है, हमारी कोई दुनिया में हैसियत नहीं है, पूरे दूसरे मुल्क जो है तो हमको बिल्कुल कच्चे निवाले के तरह खा रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला ने बेदखल करके हमको सजा दिया है, तो ये आज साबित हो रहा है।
अच्छा पॉइंट नंबर 68 है, आजकल जो नया वर्ड है जो इकोनॉमिक में इस्तेमाल होता है उसको विशेष सर्कल बोलते हैं। विशेष सर्कल यानी इकोनॉमिक में है, इकोनॉमी जब निकली थी जब वो लोगों ने निकाला था कि इंसान ऐसे कुछ उसमें फंस जाता है गर्दिश में, किसी काम में किसी बिजनेस में, और उसमें उसको नुकसान पे नुकसान होता रहता है। एक बार नुकसान हुआ तो उसकी वजह से उसके जो कॉन्सिक्वेंस में दूसरा होता, फिर उसकी वजह से तीसरा होता, या जैसा कोई आदमी के अंदर गुर्बत आ गई, गुर्बत आ गई, गरीब होने लगा, तो उसकी वजह से उसके कॉन्सिक्वेंस क्या रहते, उसके बच्चों की तालीम अच्छी नहीं होती, बच्चों को थोड़ी सब स्टैंडर्ड तालीम देता, फिर बच्चों की तालीम की दिन अच्छे नहीं मिलने की वजह से फिर वो उनकी औलाद और खराब, मतलब एक किस्म के गड़े में भी वो गर्दिश में वो अंदर अंदर चले जाते रहते, इसको विशेष सर्कल बोलते हैं जदीद इकोनॉमिक में। कुरान शरीफ के अंदर ये बिल्कुल हूबहू ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है, दायरतस्सू बोल के, दायरतस्सू बोल के ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है सूरह अल मायदा में, आयत नंबर सूरह नंबर 5 आयत नंबर 52, और नौवें सूरह में, 9 नंबर सूरह में आयत नंबर 98 में, दो जगह इस्तेमाल हुआ है। ये बिल्कुल जदीद लेटेस्ट वर्ड है, दुनिया की किसी मजहबी किताब में इस्तेमाल नहीं हुआ, कुरान में हुआ है। विशेष सर्कल ये वर्ड है कुरान के अंदर। अच्छा अभी पॉइंट नंबर है 69, कुरान के हक होने की नफसियाती दलील। कुरान के मैंने जैसे इससे पहले बताया था कि जो कयामत के वाकयात, दोजख के वाकयात, वहाँ के अंदर के लोगों के हालात, उनके दोनों लोगों की बातचीत, वो सबसे ये पता चलता है साइकोलॉजिकल तरीके से, नफसियाती जिसको साइकोलॉजी बोलते हैं, कि कुरान बिल्कुल भनक है, वो सही है। उसके अंदर जो नफसियाती तरीके से जो बातें होना चाहिए, नफ्स जो इंसानी नफसियात सही सही करती है, वैसा ही उसके अंदर है, तो वो बात पता चलती। जैसे एक वाक्या है कि काफिर क्या बोलेंगे वहां पे, जो दोजखी है, दोजखी ये बोलेंगे कि हमको हमारे लीडरों ने बहकाया और बहका के हमको जो है गुमराह किया और सही रास्ते पे नहीं चलने दिया और हमको दोजख में लाके डाल दिया इन्होंने। कसूर उनका है, कसूर हमारे अकाबरीन का है, हमारे लीडरों का है, हमारे मजहबी पेशवाओं का है, जिन्होंने हमको बहकाया, रात दिन मेहनत करते थे, रात दिन एक करके हम पे मेहनत करके हमको जो है गुमराह करते थे, सही दीन के सही बात की तरफ जाने देते नहीं थे, हमको गुमराह करते थे, झूठी बातें करते बताते थे दो लोगों के ताल्लुक से, और हमको गुमराह करके उन्होंने आज ये नौबत लाई कि हमको दोजख में डाल दिया। वो जब सामने खड़े रहेंगे देखेंगे कि उनके अकाबरीन भी दोजख में रहेंगे, उनके लीडर भी रहेंगे, उनके मजहबी पेशवा भी रहेंगे, और ये भी रहेंगे उनके मानने वाले मुतअक्कदीन। तो जब वो अल्लाह ताला से कहेंगे कि ये जो ये लोग हैं हमारे मजहबी पेशवा और हमारे लीडर, इन्होंने हमको गुमराह किया, तो अल्लाह इनको ये काम कर, इनको दुगना सजा दे। ये बात है सूरह एराफ में, सूरह नंबर 7 आयत नंबर 38 में। ये एकदम नफसियाती बात है, आप देखो नफसियात और साइकोलॉजी के हिसाब से बिल्कुल सही है। और एक बात जो है सबसे ज्यादा साइकोलॉजिकल सही है, जो अल्लाह का जवाब है, वो क्या है, अल्लाह ताला क्या बोलता कि तुमको नहीं मालूम ये तुम सबका अजाब दुगना है, वो जो जो दोजाखी क्या बोलेंगे कि उनको दुगना अजाब दे हमारे लीडरों को, कि उन्होंने हमको यहाँ फंसा दिया, लाके डाल दिया, गुमराह कर दिया, दोजख में डाल दिया, इनको दुगना अजाब दे, मैंने हमारे से ज्यादा अजाब दे। अल्लाह ताला क्या बोलेंगे, अजाब सबका दुगना है, ये नफसियाती बात है, साइकोलॉजिकल है। कैसा दुगना है, दोजख में तो हमेशा रहना है, हमेशा रहना है, तो हमेशा रहने वाले उनको ये अजाब होता है। अच्छा पॉइंट नंबर है 71, मैंने तो पॉइंट नंबर 70 बता दिया था कल कि आसमान रोया या जमीन रोई, जो उसके ताल्लुक से है फिरौन के ताल्लुक से, जब फिरौन के लोग मर जाते थे फिरौनी जमाने में, तो वो लोग उनके मातम ऐसा करते थे कि आसमान ने रोया, जमीन ने रोई, ऐसा मातम ऐसा लिखते थे। मगर कुरान शरीफ के अंदर आयत है सूरह दुखान में सूरह नंबर 44 आयत नंबर 29 में कि आसमान जमीन कोई नहीं रोया, तो ये भी एक है। और जो आज जदीद साइंस से और हेरोग्राफी पढ़ने से पता चला है, और ये कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि आसमान जमीन कुछ नहीं रोई, इसका मतलब ये है कि अल्लाह को मालूम था कि इन्होंने क्या लिखा है, और हेरोग्राफी तो आज पढ़ी है। अच्छा अभी इंशाल्लाह हम आज का रोकते हैं कुछ वजह से, और इंशाल्लाह बाद में शुरू करेंगे।